पूर्णिया के बायसी थाना के चरैया चौक के पास NH 31 पर ट्रक और टैंक लारी में भीषण आग लग गई। जोरदार टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। वहीं इस हादसे में दो लोगों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। आनंद फानंद में घायल को पूर्णिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि देर रात दिग्घी पुल के पास पूर्णिया की ओर से आ रहा कबाड़े से लदा एक ट्रक और टैंक लॉरी में भीषण टक्कर हो गई और देखते ही देखते दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। दोनों गाड़ियों में ड्राइवर और खलासी बुरी तरह झुलस गए, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही झुलसकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर हालत में सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना में चिरैया चौक का 5 दुकान भी जलकर राख हो गई। खत्म दिल पानी तो हम बोले थे मेरा साथ चलिए, यहीं पर पानी है तुरंत लोड कर लीजिए। कहाँ से चले ये कोई पता नहीं। अच्छा, कितना देर पहले आया हुआ था लोग? लगभग 1:30 बजे आया, 1:15 कौन जी अभी समय 2 बजे के बाद आया। हाँ वही तो बोलते हैं। आग पे काबू नहीं पाया था? आग पे काबू नहीं हो सका? उस टाइम आग कोई काबू कर पाता? इतना आग भड़का हुआ था जो कोई ठिकाना नहीं। कितने बजे की घटना है? 1 बजे का घटना है ये। 1 बजे तो ये किस क्यों होता है आखिर यहाँ पे ऐसा घटना है? घटनी क्यों घटती है? ये पुल के वजह से हो रहा है, जो पुलवा जो नहीं बना रहा है, यहाँ डबल क्रॉसिंग हो रहा है गाड़ी का, इसलिए यहाँ बार बार घटना हो रहा है। कौन पुल? ये पुल दिक्की का पुल। दिक्की पुल है। कब से दोस्त पड़ा हुआ? बहुत 2-3 साल से पड़ा हुआ है। दिक्की पुल के वजह से कब से वो वन वे किया हुआ है? ये हो गया 2017 से। 2017 का सैलाब से? हाँ। पुल अभी बना नहीं है? नहीं बना। कितना घटना हुआ, कितना एक्सीडेंट हुआ, आज तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, ये आग कैसे लगी यहाँ पर? ये एक गाड़ी बैक कर रहा था, दूसरा आकर के इधर से जो है मार दिया। इस पे क्या मतलब लोगों का, कितने आदमी, कोई जला भी है इस पे? एक तो जला हुआ है यहाँ पड़ा हुआ जल करके पूरा, और ये पूरा झुलस गया है तो उसको उठा करके दे दिया था। अच्छा, यहाँ दमकल उमकल का व्यवस्था कैसा है? दमकल का कोई व्यवस्था नहीं है। 2 दमकल आया, कोई पानी लेके नहीं आया। अभी पानी भरने गया, अभी तक भरिए रहा। कितना देर पहले गया पानी भरने? 1/2 घंटा से ज़्यादा हो गया। अभी तक नहीं आया? नहीं आया। दोनों भरने गया कि उधर से ही बस चला गया। एनएच जाम है दोनों? हाँ NH जाम। अब दोनों गाड़ी जल के खत्म हो गया, अभी तक दमकल का कोई पता नहीं है, कुछ बचा हुआ दमकल। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बयासी से दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों गाड़ियों के आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना मिलते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ गई। वहीं बायसी थाना प्रभारी सुनील कुमार सुमन की मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।